श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। हरे कृष्णा।